हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं हेल्दी एंड टेस्टी मिठाई की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये घर पे बहुत ही कम खर्च में बनकर तैयार हो जाती है और मार्केट में बहुत महंगी मिलने वाली मिठाई है। चलिए कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया और उसमें 2 गिलास दूध ऐड किया है और गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। इसे लगातार चलाते हुए जब तक ये हाफ़ हो जाए तब तक इसे बॉयल करना है, और ये जब ये इस तरह का हो जाए तब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर लिया, ये होममेड पनीर है, और इसे अच्छे से हाथों से तोड़ लेंगे और मिक्सर जार में डालकर इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो मार्केट वाला पनीर यूज़ कर सकते हैं, मगर घर वाले पनीर से बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। ये फाइन पेस्ट हो चुका है, अब इधर दूध ठंडा हो चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे गुड़। ये 100 ग्राम गुड़ है, ऐसे लगातार चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसमें ऐड कर देंगे पनीर। पनीर डालने के बाद गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून हरी इलायची का पाउडर और इसे लगातार चलाते हुए भुनेंगे। और जब इस तरीके का हो जाए तब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक प्लेट लेंगे, उसके ऊपर बटर पेपर डालकर और सारे मिक्सचर को इसमें डाल देंगे और चम्मच की हेल्प से इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाए तो तिल से गार्निश करेंगे। यहाँ पर मैंने तिल का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। ये सेट हो चुका है, 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब इसे नाइफ़ की हेल्प से कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है, आप चाहें तो किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। हेल्दी एंड टेस्टी मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।